बहुत महीने के बाद जो पैंडेमिक आ गया COVID-19 का, उसके बाद आज पहली बार मुझे लगता है आपने, आपकी 11वीं शॉपी है गौरव स्वीट की, वैसे भी आज का दिन 11 तारीख, 11 महीना और 11 बजे के करने का टाइमिंग, ये तीनों सहयोग अच्छा बना है। जैसे हमारे मराठी में दुग्ध शक्कर योग बोलते हैं, ये अच्छा सहयोग बनाया। और आपकी शॉपी में आने के बाद बहुत ही मुझे पॉजिटिव जो व्यूज बोलते हैं वो ज़्यादा इधर मैंने पा लिए। और इधर का कस्टमर भी बहुत ही ऐसा क्रीम कस्टमर है, बहुत अच्छा कस्टमर दिख रहे हैं। और आपका शॉपी का, गौरव शॉपी का जो स्वीट, उसमें वैरायटी बहुत ही अच्छी है। कंप्लीट ओरिजिनल जो पिस्ता है तो पिस्ता जैसी लगती है, काजू कतली है तो काजू खा रहे ऐसे लगता है। तो मुझे लगता है इसका स्टैंडर्ड आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। और 11वां शॉपी खोलना, इसका मतलब है अपने पहले शॉपी से आज तक जितनी मेहनत ली है, जो होनेस्टली आपने ये सब किया है, और उसका टेस्ट जो सबको लगता है कि एक ही टेस्ट हर शॉपी में मिलता है, तो इसका मतलब है जितने आपके पास वर्कर है वो वर्कर से भी आप प्यार करते हैं। नहीं तो बहुत से वर्कर भाग जाते हैं और हर एक का टेस्ट बदल जाता है। लेकिन आप लोग एक फैमिली जैसे गौरव स्वीट्स का हर एक जगह में शॉपी, ठाणे में तो ऐसा 8 या 9 शॉपी आपने बोला, तो मुझे लगता है हर एक मुंबई सिटी में तो है, ठाणा सिटी में, हर सिटी में ऐसे 10-12 स्वीट गौरव स्वीट का होना चाहिए। और मैं आने वाले दिवाली के शुभ कामना देती हूँ कि आपका बहुत ही ऐसे शॉपी, अभी मैं चाहती हूँ कि आप पार्ले में हो तो आप वर्ली में भी आओ, और वर्ली में भी ऐसी एक शॉपी आप खोलो कि जिसमें लोगों को फ़ायदा हो जाए। और आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, तो हर एक ऑनेस्टली काम करने के लोगों के पीछे या आगे या ब्लेसिंग भगवान साथ रहता है। और आज का भगवान का रूप मैं ये शॉपी में देख रही है, इसीलिए आने वाले दिवाली का, कल से ही दिवाली चालू होते हैं, मैं शुभकामना देती हूँ, सदिच्छा शुभेच्छा देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गौरव जी भी साथ ही बैठे हैं, कम उम्र में इनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, तो उनके आशीर्वाद देना चाहती हैं आप? मुझे एक अच्छा लगा कि बहुत घर में मैंने देखा है कि अपना बिजनेस रहते हैं तो उसमें ज़्यादा मशगूल रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, बस खाली बाप का पैसा लेने का और मस्ती करने का। लेकिन गौरव में देखते ही इसका नाम जो उनके पिताजी ने रखा है वो बहुत आप सार्थक कर रहे, गौरव जैसा ही मी गौरव होना चाहिए, आप गौरव होना चाहिए, वैसे आपके पिताजी को आपके ऊपर गर्व हो रहे हैं। और ऐसे ही काम करते रहो, आपकी भी फैमिली आगे से ऐसे ही बढ़ती रहो, बढ़ाते रहो। आपके लड़के को जो आपके पिताजी ने आपको संस्कार दिया, वैसे ही संस्कार उनके बारे में करो। अभी तो शादी विधि हो जाएगी, लेकिन बहुत ऑनेस्टली ये गौरव काम कर रहे हैं और नाम सार्थक किया। नाम है मिठाई इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे सर, कितना डिफिकल्ट रहा ये सब करना, कितना मुश्किल रहा? डिफिकल्ट तो क्या, कोरोना की वजह से बहुत डिफिकल्ट रहा, लेकिन क्या हमारा टीम वर्क के हिसाब से हमने ये इतना 1400 फुट कारपेट का दुकान 20 दिन में तैयार किया, और 20 दिन में 24 दिन में यह दुकान ओपनिंग किया। मतलब जो काम 2 महीने में नहीं हो सकता वो हमने 20 दिन में करके दिखाया। फिल्म में ऐसा है कि ऐसा तो बिजनेस में हम 1987 से है, 1982 में मैं बॉम्बे में आया, उसके बाद 87 में मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। मिठाई का लाइन ऐसा ही हमको एक अच्छा ये लगा करके हमने 2005 में शुरू किया है, तो आज अभी मिठाई का लाइन में 15 साल हो गया। 15 साल में ये अपना 11वां ब्रांच है, और एक बड़ी 25,000 फुट की फैक्ट्री है, इधर पूरा प्लांट सब लगेला है, उसमें सब माल तैयार होता है, सारी चीज़ हम खुद बनाते हैं,
और अपने दुकानों में बेचते हैं, मतलब तो क्या क्वालिटी पूरा मेंटेन होता है, अपन खुद बनाएंगे खुद बेचेंगे वो हिसाब से। सर नाम से तो समझ में आता है गौरव स्वीट्स, मतलब एक मिठाई का काम है, लेकिन इसमें क्या ऐसी खास चीज़ें खाने को हैं जो कंपटीशन में या मार्केट में आसानी से नहीं मिलती, जो यहाँ अवेलेबल होती है? कुछ हम लोग अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी और कुछ स्पेशलिटी चीज़ देते हैं जो हर जगह पर नहीं मिलती, तो वो हिसाब से और क्वालिटी हमेशा हम लोग मेंटेन करते हैं जो भी है, वो हिसाब से क्या कस्टमर को अच्छा टेस्ट लगता है, अच्छा ये होता है, कस्टमर भी वो हिसाब से आते हैं। मिठाई के अलावा और क्या क्या मिलता है सर, सब बताइए। मिठाई के अलावा हम लोग नमकीन फरसान वो सब बनाते हैं, फिर लाइव स्नैक्स जो इधर सब स्नैक्स का आइटम है, चाट का आइटम है, वो सब भी देते हैं। अभी पूरा जो फास्ट फूड की कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसमें सैंडविच आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, पानीपुरी आ गया, चाट आ गया, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो उसमें से आपके रिलेटिव भी होंगे, जो कस्टमर भी होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो यहाँ आए किस तरह आए और क्या खास बातें जो यहाँ आना चाहिए? यस, क्या एक हमारा यही है कि एक बार हमारे पास आएंगे, एक बार हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करो, फिर आप खुद बताएंगे कि नहीं ये चीज़ है अच्छी चीज़ है, और फिर आप खुद ना खुद बार बार आएंगे इधर। सर दिवाली चल रही है, कुछ ऑफर है आपके? फिलहाल अभी हम क्या, हमको बहुत घाई हो गया है, मतलब ऑफर ऐसा है, हम सोच रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि दिवाली को चार दिन बाकी है, लो चार दिन के चार दिन में अभी क्या ऑफर दूँ और क्या करूँ वही समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ हम कस्टमर के लिए सोचेंगे, मतलब क्या करना है। सर आखिर में अभी इसके बाद कहाँ का खोलने की प्लानिंग है आखिर में वो लोग? अभी हमको बांद्रा से बोरीवली, मतलब पूरा वेस्टर्न लाइन कवर करना है। अभी फिलहाल हमारा थाना में 8 ब्रांच है, कवई में 2 ब्रांच है, अभी वेस्टर्न में इधर इडला में ब्रांच आ गया, अभी बांद्रा से लेके बोरीवली तक हम अगले साल तक पूरा जितना है 20-25 ब्रांच खोलने का अपना प्लानिंग है, और 2023 तक एक हम 100 फ्रेंचाइजी देने का हमारा प्लान है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू गौरव ऑन हिज 11th ब्रांच। बेसिकली स्पेशलिटी गौरव का ये है कि नए प्रोडक्ट्स जो होते हैं मार्केट में, फर्स्ट इट कम्स इन गौरव स्वीट्स एंड देन इट गोज एट द अदर स्टोर्स, सो बेसिकली इनोवेशन तो वही लाता है जो मास्टर होता है ये चीज़ में, देन गौरव स्वीट्स इज द मास्टर ऑफ दिस थिंग एंड सून इट विल गेट स्प्रेड ऑल अक्रॉस एंड मेनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। I like to congratulate Gaurav on his 11th branch and I hope कि अभी मुंबई में और उसके बाद हम पैन इंडिया भी ओपनिंग्स पर जाएँ और ऐसे इंक्रीज दें। People, my name is Urvi. I have just visited this store. In fact, I have also visited their store in Thane. This is my one of the favorite store. Like it, they have a really good varieties of all the sweets. And yes, it's specially homemade. Like it, they already have their own manufacturing unit. And okay, for diet freak people, I can say you must try all the roasted chips, as they are my favorite. Roasted banana chips, roasted Murray chips, and yeah, you can try that. Even you can try many other things. Please do visit and do not forget to get your mask. Thank you so much. बढ़िया शुभकामना है, ये हमारी 11वीं ब्रांच है और इसके आगे थाना में हम लोग का 8 ब्रांच है और एक पवई में और एक कांदिवली में ब्रांच है और भी हमको 50-60 ब्रांच का प्लानिंग बन रहा है हम लोग का, पूरा बॉम्बे में ब्रांचेस डालेंगे हम लोग। खासियत तो हम लोग का स्वीट का मेन है, स्वीट और नमकीन और ड्राई फ्रूट, ये तीनों चीज़ों का ही मेन है। और रेट वाइज करें तो जैसे मार्केट में और भी कई सारी है, रेट वाइज तो हम लोग का कुछ इतना ज़्यादा रेट नहीं है, क्योंकि थाना का जो क्राउड है वो हिसाब से हम लोग का हर चीज़ का रिजनेबल रेट है, और बॉम्बे के हिसाब से तो बहुत ही कम रेट है और उससे बहुत बेहतर क्वालिटी है हम लोग की। बस अभी हम लोग भी एक इमर्जिंग ब्रांड है, कुछ सालों अभी जो तो आज हमारी 11th ब्रांच है, ये आज है 11th ऑफ द डेट इज 11th, द मंथ इज 11th,
हमारा ओपनिंग भी 11 एम को हुआ है, सो कोइंसिडेंटली सारी ही चीज़ें आज 11 11 11 11 है। ऊपर से आज कुछ तिथि विथि भी है तो वो हिसाब से आज सारा 11 तो उसके कारण आज हमारे लिए बहुत शुभ दिवस है। आज हमने ब्रांच खोली है इतनी बड़ी, हम लोग का फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत बड़ा है। तो लाइक विदिन 2 to 3 ईयर्स हम लोग का और 50 ब्रांचेस प्लस का टारगेट है फिलहाल अभी के लिए। तो बस हम लोग बस अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, अच्छे कस्टमर्स आए हमारे पास, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दे एट वेरी बेस्ट, अच्छे रीजनेबल रेट्स, ताकि लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, खा सके, आ सके, वही चीज़ हमको देना। कांदिवली बिल्लीपाला अब थाना पवई चांदीवली विलेपार्ला अब हम लोग वेस्टर्न लाइन में सोच रहे हैं, वो सारी जगह सोच रहे हैं। बोरीवली और अंधेरी साइड में प्लानिंग चालू है, बदली बॉम्बे में भी हमारा प्लानिंग चालू है, अभी वही पूरा लाइन से ही चला सारा काम चालू है। भाई साहब है उन्होंने भी बहुत हमें आशीर्वाद दिया, काफ़ी अच्छा आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने भी कहा कि आज इतनी अच्छी ब्रांड है, उन्होंने भी हमारे एक स्वीट्स काफ़ी सारे चखे, अच्छे लगे उनको, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा आके वगैरह, बहुत अच्छा लगा उनको, इतना अच्छा एम्बियंस मिला, अच्छा टेस्ट मिला, क्वालिटी वगैरह मिला, तो दे वर वेरी हैप्पी। आई होप शी कम्स एवरी डे, उनको अच्छा लगेगा। बेस्ट विशेस टू गौरव भाई for this venture. Aditya, they have been in this business for so many years. Actually, Gaurav bhai ke काफ़ी branches हैं जो हम आए थे पहले भी, और ये नया बड़ा खुला है अभी, so hopefully ये भी अच्छा चलेगा। And Alpha is very good market to you know promote a new business, and this has been a very good opportunity for him in the COVID times to open this. So hopefully की मेरा भी यही मानना है कि इस बार इनका कुछ अच्छा है, this business will go along a lot. Best wishes to them. Yeah, I'm happy for Gaurav to open this place. So I guess all the best to Gaurav and Gaurav Sweets and Namkeen, and it's his 11th branch, and I would love to give him all the love for his upcoming branches as well. So मैं तो बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा ये गौरव को और गौरव की पूरी टीम को, बहुत ही ज़बरदस्त है उसका फॉर्म और उसकी ब्रांच, और मैं यही होप करूँगा कि अभी आज 11 है, उसके आगे और एक डिजिट लगे और 111 हो जल्द से जल्द, और उसकी क्वालिटी और हर चीज़ से सबसे बेस्ट है, तो आई गेस दैट विल बी पॉसिबल सून। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू हिज टीम एंड हिज फैमिली। चाट बहुत ही बढ़िया होता है गौरव का, यू शुड ऑलवेज ट्राई पानीपुरी, और यहाँ की यहाँ डोसा भी काफ़ी अच्छा होगा, अगर डोसा और पाव भाजी की काउंटर भी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा वो, और काफ़ी नमकीन भी काफ़ी अच्छी होती है, और गौरव की स्वीट्स भी काफ़ी टेस्टी होती है। हम लोग तो 7-8 साल से खा रहे हैं, तो कभी कोई टेस्ट से मतलब हमेशा और अच्छी क्वालिटी मिले, कभी मेन उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मेन वो बहुत बड़ी खासियत बात है आज की तारीख में। इनफैक्ट एक और यूनिक चीज़ है कि वो नया नया प्रोडक्ट्स लेके आता है, रिसेंटली उसने छोले कुलचे लाया, सो काफ़ी नए प्रोडक्ट्स आपको ट्राई करने को मिलेंगे, वो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। All heartiest congratulations to Gaurav Sweets. The most important thing that about Gaurav Sweets is that it has an emotional connect with most of the customers. So basically, when I was a young kid, I had my first vada pav from Gaurav Sweets. I had my first kaju katli from Gaurav Sweets, and that legacy continues. And now it's growing even more and more now that we have a new store open in Villeparle on the auspicious day of 11th. They have opened their 11th store. So I would like to throw my heartiest congrats to Gaurav and Gaurav Sweets. Yeah, that's about it. Can you add on something? That's the only thing. We are really we are feeling very proud of him. Like he has grown very good till now, and rest it's all in Gaurav Sweets. पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में, I think ये उनका 11th store है आज, और इस जिस इंडस्ट्री में वो है उनका बहुत अच्छा काम है, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी एवरीथिंग इट्स अबव नॉर्मल, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई कैन से दैट। बस ओके, आप क्या कहना चाहेंगे गौरव के लिए, उनकी फैमिली के लिए? स्वीट्स कैसे हैं, आपने टेस्ट करे उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्वीट्स टेस्ट किए हैं, बहुत ही बढ़िया स्वीट्स हैं,
बस मैं यही कहूँगा कि सबने ट्राई करना चाहिए यहाँ पे आके गौरव स्वीट्स का।